स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में आज हमारी मिडियवल इंडिया की जो आई थिंक मिडियवल इंडिया की फोर्थ क्लास है फोर्थ नहीं फिफ्थ क्लास है सॉरी तो हम आज विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे और उसके बाद मुगल एम्पायर की सारी सीरीज एक साथ ही आ जाएगी तो आज मिडियवल इंडिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है मेरी जनरल नॉलेज की ई बुक अगर आप अभी तक नहीं खरीद चुके हो तो प्लीज खरीद लेना बिकॉज जैसा आप इसे पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ोगे अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपके जीके के मार्क्स आप सिक्योर कर पाओगे ठीक है करंट अफेयर तो देखो कितना भी पढ़ो वो तो खत्म ही नहीं होता लेकिन अगर आप जीके अच्छे से पढ़ोगे तो उतना आंसर अच्छे से कर पाओगे कोई क्वेश्चन इंटरलिंक करके भी क्वेश्चन बन जाता है ठीक है जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी तो आप डाउनलोड करते हो टेलीग्राम वहां पे सर्च करना है एम रेलवे ठीक है सर्च बार में सर्च करने पे आपको मेरा जो लोगो है चैनल लोगो दिख जाएगा वहां पे आपको ज्वाइन कर लेना है आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे मैम कैसे ज्वाइन करें कैसे ज्वाइन करें मैंने तीन से चार बार आई थिंक एक ही रिप्लाई सॉरी uh, एक ही कमेंट को चार बार रिप्लाई दिया सेम रिप्लाई दिया और यू you नो know, क्या कहते हैं उसे लिंक भी प्रोवाइड की फिर भी नहीं हो रहा है तो प्लीज इस तरह से आप जो है उसे ज्वाइन करना चलिए स्टार्ट करते हैं विजयनगर एम्पायर देखो मैंने कैसे कहा था ना मोहम्मद जो तुगलक डायनेस्टी का ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक था वो कैसा राजा था पागल राजा था लोग उससे परेशान थे वो लोगों से परेशान था और उसके जितने भी क्या कहते हैं कमांडर थे ठीक है कमांडर या प्रधान बोल सकते हो प्रधान इज द राइट वर्ड जितने भी प्रधान थे अच्छे अच्छे कमांडर थे मिलिट्री के वो सारे उसके खिलाफ रिवॉल्ट करने लगे इसी रिवोल्ट में दो डायनेस्टीज का उदय हुआ कह सकते हो एक है विजयनगर एम्पायर और दूसरा बामी एम्पायर तो विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर है वो है हरिहर एंड बुक्का ये दो भाई थे ठीक है हरिहर एंड बुक्का और 1336 में ये विजयनगर एम्पायर जो है स्टैब्लिश हुआ ये देवराय वन के रीन में इटालियन ट्रैवलर ठीक है इटली का ट्रैवलर निकोलो कोंटी विजिट किया था इंडिया को तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, है एक तो हम कहा कर्नाटका सेकेंड थिंग की तेनाली रामा किसके कोर्ट में एज अ कवि थे करके पूछा जाता है एंड ये पूछते हैं बहुत ज्यादा पूछते हैं एक क्वेश्चन कृष्ण देवराय के बारे में एंड हा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीसी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका था 2015-16 में कि कौन सी एम्पायर है जिसे फोगोटन एम्पायर कहते हैं तो वो है विजयनगर एम्पायर ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं शायद आपके एग्जाम में बन जाए लेकिन जितना यहाँ पे डाटा दे रखा है और मेरे पीडीएफ में लिख रखा है सारा का सारा आपको पढ़ के अच्छे से जाना है ओके देवराया वन जो है उन्होंने एक बैरिज कंस्ट्रक्ट किया था अराउंड जो तुंगभद्रा नदी के किनारे ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो हम्पी था वो कौन से नदी के किनारे है था है? तो वो तुंगभद्रा नदी के किनारे ठीक है ये भी क्वेश्चन बनता है ही ऑल्सो एनकरेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन द रिवर हरिहरा फॉर द इिगेशन पर्पज ठीक है देवराया टू वॉज कॉल्ड इनामादी देवराया एंड ऑल्सो पुरुधा देवराया ठीक है ड्यूरिंग हिज रीन द पर्शियन ट्रैवलर देखो हर एक के के रीन में में हर एक के काल में कोई न, कोई ना फेमस फॉरेनर आया ही है ठीक है लेकिन कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा फेमस uh, जो फॉरेन के लोग होते हैं जैसे कि इब्ने बतूटा ठीक है किसके रीन में आया था हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन बनता है और किसका क्वेश्चन बनता है फाहिन फाहिन किसके राज्यकाल में आया था फाहन चाइना से जो आया था अः बुद्धिस्ट पिलिक्रमी एंड सबसे ज्यादा पूछा जाता है बतूता एंड ये निकोलो कोटिका ठीक है निकोलो कोटिका बहुत बार पूछा जाता है तो प्लीज याद रखना है आपको किसके ऋण में आया था ये देवराया टू के देवराया वन के ऋण में आया था ठीक है ऋण का मतलब होता है राज्यकाल ठीक है तो हम क्या पढ़ रहे थे कौन आया था पर्शिया से अब्दुल रजाक आया था किसके देवराया टू के तो इसका ज्यादा पूछते नहीं निकोला कोंटिका याद रखो दे हैड अर्लियर सर्व अंडर द काकतीय रूल ऑफ वारंगल तो काकतीय का वारंगल में जो काकतीय uh, डायनेस्टी थी ठीक है हमने जब साउथ इंडियन डायनेस्टी पढ़ी उसमें तो काकतीय के अंडर एज ए इन्होंने मिलिट्री कमांडर की तरह काम किया था ठीक है फिर बाद में इन दोनों ने जो है अपना एक खुद का एंपायर बना दिया दे गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम द फेमस इज विद्या विद्यारण्य ठीक है द कैपिटल ऑफ द किंगडम जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम्पी भी कहाँ पे है कर्नाटका में क्वेश्चन बनता है हम्पी किस नदी के किनारे है तुंगभद्रा नदी के किनारे ये भी बनता है ठीक है अब ये जो फेमस ट्रैवलर डोमिनुगो पेस पी, स्टेड एट विजयनगर ड्यूरिंग द रीन ऑफ कृष्णदेव राय तो कृष्णदेव राय के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं सीरियल भी देख चुके होंगे आप आपा देरा का तो इस तरह के तो क्वेश्चन बनते हैं ये देखो फाउंडर कौन है ठीक है मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा कौन था किंगडम क्या था तो विजयनगर डायनेस्टी का पूरा संगमा डायनेस्टी जब मैंने पढ़ाया था संगमा डायनेस्टी उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है सबके बारे में ठीक है बच्चों अगर आपने संगमा डायनेस्टी पढ़ लिया तो फिर ये आपको आसान जाएगा तो संगमा डायनेस्टी अच्छे से पढ़ना अब ये फॉरन के जो ट्रैवलर आए थे विजयनगर एम्पायर में पूरे विजयनगर एम्पायर के रीन में तो इनका देखो सबसे पहले तो निकोलो कोंटी वगैरह आया था न बारबोडोसा ये सॉरी बारबोसा जो है इसका भी पूछता है ये रशिया से आया था कृष्णदेव रायदेव राय वन ठीक है कृष्णदेव राय के कार्यकाल में आया था तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है नेक्स्ट है बहामनी किंगडम तो बहामनी किंगडम फाउंड की थी हसन गंगू ने ठीक है अब उसने आ, जो है अपने खुद आ, इंडिपेंडन्स के इंडिपेंडेंस सल्तनत इंडिपेंडेंस के इंडिपेंडेंस के लिए सल्तनत के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था ठीक है जैसे कि हरे हरान बुक्का ने किया था डायरेक्टली रिवॉल्ट कर दिया सल्तनत के खिलाफ दिल्ली सल्तनत के खिलाफ और अपना अपना जो है एरिया कब्जा कर लिया उसी तरह से हसन गंगू ने भी क्या किया था में सैतालीस किया था अपने सल्तनत के खिलाफ ठीक है सल्तनत कौन सी थी दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का ही ये सब कुछ इसने अपना नाम चेंज करके अलाउद्दीन बहामनी कर दिया था इसको बहामन शाह भी कहा जाता था ठीक है बहामन शाह और गुलबर्ग इनकी कैपिटल थी ये क्वेश्चन बहुत बनता है बहमनी किंगडम की कैपिटल क्या थी गुलबर्ग थी विजयनगर किंगडम की कैपिटल क्या है क्या थी तो हम्पी थी हम्पी के जो रिमेन्स है अभी भी मिलते हैं कर्नाटका में हम्पी का जो रथ आप जो देख रहे हो थंबनेल में ठीक है वो रथ के बारे में बहुत बार पूछा भी जाता है हम्पी का ही रथ है वो तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं स्टार्टिंग जीके से ठीक है स्टार्टिंग जीके में पार्ट आता है ये he divided his kingdom into four provinces: Bidar. ठीक है महाराष्ट्र छोटे छोटे स्टेट जो कर्नाटका केरला तो अब ये क्या है state है हम अभी इसको state बोलते हैं लेकिन पहले या फिर हिस्टोरियन प्रोविंस कहते हैं इसे ठीक है स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कितने अलग अलग प्रोविंस थे अलग अलग प्रोविंस से लोग आए थे ऐसा अगर आप कहीं पढ़ो तो प्रोविंस का मतलब समझ लो कि वो क्या है स्टेट्स है ठीक है नेक्स्ट क्या है ही वो सक्सेडेड बाय मोहम्मद शाह वन ठीक है मोहम्मद शाह वन एंड मोहम्मद शाह ने क्या किया था मोहम्मद शाह वन ने नहीं मोहम्मद शाह थ्री ने एक्चुअली अपॉइंट किया था मोहम्मद गुआन को कैसे ना ये एक जैसे ही नाम रख लेते हैं मोहम्मद थ्री मोहम्मद शाह थ्री ठीक है और जो लास्ट राजा था बहामनी किंगडम का वो था कलीमुल्ला ये क्वेश्चन बनता है लास्ट राजा कौन था तो यहाँ तक ही थी ये विजयनगर एम्पायर एंड बहामनी किंगडम के बारे में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग